दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेशल चैनल पे। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, यह इन्फॉर्मेशन ग्रेजुएशन पास वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो सब्जेक्ट चेंज करके पीजी का कोर्स करना चाहते हैं। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने बीए बीएससी बीकॉम पास कर चुके हैं और अब आप पीजी के कोर्स अर्थात एमए एमएससी एमकॉम में सब्जेक्ट चेंज करके पीजी करना चाहते हैं, तो क्या यह संभव है या नहीं है? अगर संभव है तो वो कैसे है, इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों सभी जानकारी को बारीकी से समझा देता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन में साइंस रखे हैं और आप चाहते हैं पीजी में आर्ट रखना, तो यह संभव नहीं है, नहीं हो सकता है, ठीक है। यदि आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स रखे हैं और अब आप चाहते हैं पीजी में आर्ट रख करके पढ़े, तो यह अभी संभव नहीं है। यदि आपने ग्रेजुएशन में आर्ट रखे हुए हैं और पीजी में तो वैसे भी आर्ट आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो फैकल्टी आपका ग्रेजुएशन में था वही फैकल्टी आपको पीजी में रखना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो हम फैकल्टी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। फैकल्टी चेंज नहीं करते हैं तो क्या हम ऑनर सब्जेक्ट को छोड़ करके और किसी अन्य सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसको लेकर के है, हाँ कर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि जिस ऑनर्स से हमने ग्रेजुएशन किए हैं उसको छोड़ करके पीजी का कोर्स कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने सब्सिडी जो रखे होंगे उसमें जिस भी सब्सिडी में 55% से अंक ज्यादा आया होगा ना, तो उस सब्जेक्ट से आप पीजी का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों उस सब्जेक्ट से पीजी का कोर्स कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक धोक नहीं है। और नोटिस देखिए, यह विश्वविद्यालय का जारी किया गया है, अगर आप स्ट्रीम न चेंज करके अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं ना, तो सब्सिडी वाला सब्जेक्ट से आप लोग पीजी कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग पीजी नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, या तो आप अपने ऑनर्स से कर सकते हैं या आप अपने सब्सिडी से कर सकते हैं। ऑनर्स के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया रहती है वो 45% रहता है, तभी आप पास होते हैं, उसके बाद ही आपको पीजी में एडमिशन होगा। और सब्सिडी में अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आपको चाहिए 55% अंक चाहिए, उससे कम रहेगा तब आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं पीजी में एडमिशन हेतु। तो आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुका है कि पीजी स्ट्रीम चेंज करके हम तो नहीं कर सकते हैं, अगर सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो आप अपने ऑनर्स पेपर को छोड़ करके आप सब्सिडी से पीजी कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट से पीजी नहीं कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था इसी पर यह वीडियो मैंने बनाया हूं, ठीक है। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है ना वो भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आता है मैं आप लोगों को देते ही रहता हूं। अगला टॉपिक किस पे रहेगा वो मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।